Yes, very good evening, everyone. Today we are starting with a very new topic that is all about the neutrality curve. Lecture number 15 की बात करेंगे. जल्दी से भी लोग ज्वाइन कर लीजिए. प्लीज डू ज्वाइन एवरी वन सो वी कैन स्टार्ट टूडेज क्लास. जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए. Everyone, please do join. So once again, good evening, everyone. Today we are starting with the neutrality curve, lecture number 15, UPPGT Commerce or Economics. So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since class 11 year, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching and research organization, IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sharda. Mentored and guidance more than 1000 plus candidates. 1000 से ज्यादा बच्चों को नेट जीआरएफ क्वालिफाई करा चुके हैं कॉमर्स मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में. क्रैक द यूजीसी नेट जीआरएफ 4 टाइम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. पब्लिश मोर देन 20 रिसर्च पेपर इन इंडेक्स जर्नल्स लाइक स्कोपस, टीआर, यूजीसी केयर, यूजीसी लिस्टेड. एमबीए इंटर्न्स ऑफ बिजनेस, एमकॉम, आईबी, एमए इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी अप्लाइड इकोनॉमिक्स. टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट न्यूट्रलिटी कर्व. तो एक बार अगला 1 मिनट हम लोग इंतजार करेंगे ताकि सभी लोग जुड़ जाएं. हिंदी में इसको कहते हैं तटस्था वक्र. हिंदी में तो बहुत टफ है तटस्था वक्र. हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे न्यूट्रलिटी वर्क न्यूट्रलिटी कर्व. ठीक है. सो व्हाट इज ऑल अबाउट द न्यूट्रलिटी कर्व या न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्या होता है. न्यूट्रलिटी ऑफ मनी द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल मनी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी स्टेटिंग दैट Changes in the money supply only affect the nominal variables, not the real variables.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल मनी इज इकोनॉमिक थ्योरी। द चेंजेस इन द मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई में बदलाव होते हैं, इफ देयर इज अ चेंजेस इन द मनी सप्लाई ओनली अफेक्ट द नॉमिनल वेरिएबल्स नॉट रियल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल पर इंपैक्ट पड़ता है बट रियल वेरिएबल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं आप, कस्टम चलेगा नॉट द रियल वेरिएबल्स। इन अदर वर्ड द अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड बाय द फेडरल रिजर्व एंड सेंट्रल बैंक कैन नॉट इंपैक्ट प्राइसेस एंड वेजेस बट नॉट द आउटपुट और स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, मतलब न्यूट्रलिटी ऑफ मनी या न्यूट्रल मनी का मतलब होता है कि न्यूट्रल मनी जो मनी सप्लाई होती है उसका प्रभाव नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमी के उस पर फर्क पड़ता है बट जो रियल वेरिएबल्स होते हैं कि आउटपुट कितना है या स्ट्रक्चर इकोनॉमी का क्या उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बट जो नॉमिनल वेरिएबल है, अगर प्राइस की बात करिए, वेजेस की बात करिए, इन पर सब पे प्रभाव पड़ता है। समझ गए, तटस्थ वक्र या न्यूट्रलिटी कर्व या न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इज ऑल अबाउट, इसमें कहना है कि वट एवर द चेंजेस इन द मनी सप्लाई, जो भी मनी सप्लाई में बदलाव हो रहा है, देयर इज अ इंपैक्ट ऑफ द नॉमिनल वेरिएबल नॉट ए रियल वेरिएबल। इन अदर वर्ड, जो भी एक फेडरल रिजर्व के अंतर्गत या सेंट्रल बैंक जो भी नोट छापती है उसका सीधा सीधा प्रभाव प्राइस और मजदूरी पर पड़ता है बट नॉट द आउटपुट और स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी। समझ गए, आगे बात करें, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न वर्जन ऑफ द थ्योरी एक्सेप्ट दैट चेंजेस इन द मनी सप्लाई माइट अफेक्ट आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द शॉर्ट रन। हाउएवर मेनी ऑफ टूडे इकोनॉमिस्ट स्टिल बिलीव दैट न्यूट्रलिटी इज अज्यूम्ड इन द लॉन्ग रन आफ्टर मनी सर्कुलेट थ्रू आउट द इकॉनमी। सभी इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं उन्होंने यही माना है कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का प्रभाव लॉन्ग रन में पड़ता है, शॉर्ट रन में नहीं पड़ता। शॉर्ट रन में हो सकता है कि आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट पर फर्क पड़े बट लॉन्ग रन की अगर बात करें, लॉन्ग रन में किसी भी रियल वेरिएबल्स पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जितने भी आज में इकोनॉमिस्ट हैं दे आर बिलीविंग दैट कि न्यूट्रलिटी इज अज्यूम्ड इन द लॉन्ग रन आफ्टर मनी सर्कुलेट थ्रू आउट द इकॉनमी। एक बार पैसा पूरे इकॉनमी में सर्कुलेट हो जाता है तो मान्यता यही है, मानकर यही चलते हैं कि उसका कोई भी प्रभाव, उसका कोई भी इम्पैक्ट लॉन्ग रन में नहीं पड़ता। आगे बात करें, द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी थ्योरी क्लेम दैट चेंजेस इन द मनी सप्लाई अफेक्ट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेजेस बट नॉट ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। मतलब हमने पहले ही बोल दिया कि नॉमिनल वेरिएबल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है बट रियल वेरिएबल्स पे कोई भी इम्पैक्ट। प्रिया जी, हमने आप बता रहे हैं आपको कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का मतलब है कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की थ्योरी ये कहती है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है या घटती है उसका नॉमिनल वेरिएबल पे इम्पैक्ट पड़ता है बट रियल वेरिएबल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नॉमिनल वेरिएबल्स कौन से हैं, गुड्स सर्विसेस, इन पे प्राइस इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा बट ओवरऑल आउटपुट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। दिस थ्योरी स्टेट दैट चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी डोंट ऑल्टर द अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ इकॉनमी एंड देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई वुड रिमेन कांस्टेंट। हमने बोले कि आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कहने का मतलब है कि सप्लाई ऑफ मनी डोंट ऑल्टर द अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ द इकॉनमी। जो अंडरलाइन कंडीशंस हैं इकॉनमी की उसको कोई भी अल्टर नहीं कर रहा है और एग्रीगेट सप्लाई है इकॉनमी की, इट वुड बी रिमेन कांस्टेंट। सम इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला है, सम इकोनॉमिस्ट ओनली अग्री द थ्योरी ऑफ न्यूट्रलिटी वर्क ओवर द लॉन्ग रन। द एजम्पशन ऑफ लॉन्ग रन मनी न्यूट्रलिटी अंडरलाइज ऑलमोस्ट ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज। ठीक है, सभी ने यही बोला है कि इसको लॉन्ग रन में प्रभाव पड़ता है, शॉर्ट रन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिटिक्स ऑफ द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी बिलीव दैट इट इंक्रीज प्राइसेस एंड देयरफॉर इंपैक्ट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली। अगर हमने पहले ही बोला है कि मनी पर इंपैक्ट, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, गुड्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, सर्विसेज पे इंपैक्ट पड़ रहा है, वेजेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइसेस बढ़ेंगे, किसी भी चीज की जब कीमत बढ़ती है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है, कंजम्पशन पर और प्रोडक्शन पर। ठीक है, द फ्रेज न्यूट्रलिटी ऑफ मनी वॉज इंट्रोड्यूस बाई द ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक हे हायक। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का पीजीटी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो एफ ए हायक या फ्रेडरिक हे हायक ने 1931 में जो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे, ऑस्ट्रियन नॉमिनल इकोनॉमिस्ट, नॉमिनल वेरिएबल वो होते हैं मनी
गुड्स सर्विसेज वेजेस प्राइस और हमारे रियल वेरिएबल कौन से हुए, आउटपुट। ठीक है, लेकिन यहां पर बताया भी है अभी, आउटपुट हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रियल वेरिएबल है। नॉमिनल कौन से है, मनी सॉरी प्राइसेस गुड्स सर्विसेज वेजेस, ये हमारे कौन से होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स। पांचों पॉइंट समझ में आ गए कि गुड्स सर्विसेज वेजेस से फर्क पड़ेगा, बट ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सप्लाई ऑफ मनी डोंट ऑल्टर द अंडरलाइन कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी, देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई वुड रिमेन कांस्टेंट। सब मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट ने यही माना है कि ये थ्योरी लॉन्ग रन में काम करती है, और क्रिटिक्स इसका ये है कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी बिलीव दैट इफ इट इंक्रीज द प्राइसेस, ये प्राइस इंक्रीज करता है, इसीलिए इसका सीधा सीधा इंपैक्ट, सीधा सीधा प्रभाव कंजम्पशन और प्रोडक्शन पर पड़ता है। द फ्रेजेस न्यूट्रलिटी ऑफ मनी वॉज इंट्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट फेडरिक हे हायक इन 1931। और समझिए कि अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, यहां तक समझ में आ गया, कुछ तो समझ में आया होगा ना। कुछ तो समझ में आया होगा ना। कुल मिला के नॉमिनल वेरिएबल्स कौन कौन से, हमने आपको बताया प्राइसेस वेजेस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और वही अगर हम लोग उसकी बात करेंगे, रियल वेरिएबल्स ऑफ जीएनपी की बात करेंगे, तो आउटपुट हो गया हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया हमारा, प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर्स होगा, ये सब हमारे क्या होंगे। नम्रता जी आपको हम हिंदी में कन्वर्ट करके दे देंगे, इसीलिए हम एक एक लाइन हिंदी में बोल रहे हैं, क्योंकि तो हिंदी में बहुत कठिन है, तटस्थ वक्र आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए इंग्लिश में लिख के लाए हैं, ताकि आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, इसीलिए पूरी हिंदी इंग्लिश नहीं बोल रहे कि हिंदी में, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मनी इज न्यूट्रल फैक्टर दैट हैज नो रियल इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का मतलब है कि जो मनी फैक्टर है वो पूरा न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल है, दैट हैज नो रियल इफेक्ट, उसका सीधा सीधा कोई भी प्रभाव इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ता। प्रिंटिंग द मोर मनी कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द इकॉनमी, कितना भी नोट छाप लीजिए, जितना मन हो उतना नोट छाप लीजिए, बट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, फंडामेंटल नेचर होगा इकॉनमी का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ इवन इफ इट ड्राइव अप डिमांड लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वेजेस, पहले ही मैं बोल दिया कि सीधा सीधा इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, केवल केवल नॉमिनल वेरिएबल्स पे, और रियल वेरिएबल्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए कि नोट ज्यादा छाप दिया आपने, तो मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे 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 डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, काहे का, गुड्स का, सर्विसेज का, नॉर्मल बात है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑल मार्केट फॉर ऑल गुड्स क्लियर कंटिन्यूसली, रिलेटिव प्राइस एडजस्ट फ्लेक्सिबल एंड ऑलवेज टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी डोंट अपियर टू चेंज इन द अंडरलाइन कंडीशन इन द इकॉनमी, नाउ न्यू मनी नीदर क्रिएट्स नॉट डिस्ट्रॉय द मशीन, नया मशीन ना कोई नई नया मनी जो नया पैसा सप्लाई क्रिएट कर रहा है, नया पैसा जो छाप रहे हैं वो ना तो नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो कोई बर्बाद करता है मशीनों को, ना कोई नया क्रिएट कर रहा है, एंड इट डजेंट इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेडिंग पार्टनर और अफेक्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज, एज अ रिजल्ट एग्रीगेट सप्लाई शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। ये तो कुल मिलाकर वही बात है, आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई भी एग्रीगेट सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
नॉट एवरी इकोनॉमिस्ट, ये भी बता दिया कि मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट इसको लॉन्ग रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन की कोई बात नहीं करता। अब आया न्यूटिलिटी ऑफ मनी की हिस्ट्री, समझ लीजिए, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, 15-20 मिनट का। कॉन्सेप्चुअली मनी न्यूट्रिलिटी ग्रू अप ऑफ द कैम्ब्रिज ट्रेडिशन इन द इकोनॉमिक बिटवीन 1750 और 1870 के बीच में। तो कॉन्सेप्ट आया इसका मनी न्यूट्रिलिटी ऑफ मनी का, ये कैम्ब्रिज ट्रेडिशंस में आया इकोनॉमिक्स में 1750 से लेकर 1870 के बीच में। द अर्लियर वर्जन पोजिशंस, स्पेलिंग गलत है, दैट द लेवल ऑफ मनी कुडंट अफेक्ट आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इवन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में भी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित नहीं करती, बिकॉज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज प्रिज्यूम्ड टू बी वर्टिकल, ए चेंज इन द प्राइस लेवल डजंट आल्टर आल्टर द एग्रीगेट आउटपुट। कुल कुल मिलाकर फिर सेम बात ही है कि कुछ भी प्राइस लेवल चेंज होगा, एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एडिरेंट बिलीव शिफ्ट इन द मनी सप्लाई अफेक्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोपोर्शनलिटी और नियरली साइमल्टेनियसली। कहीं ना कहीं उसी के अनुपात में जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है तो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस उसी के अनुपात में बढ़ जाते हैं। हाउएवर मेनी ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिजेक्टेड दिस नोशन एंड बिलीव शॉर्ट टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म फैक्टर सच एज प्राइस स्टिकनेस एंड डिप्रेस बिजनेस कॉन्फिडेंस वर सोर्सेज ऑफ नॉन यूटिलिटी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट 1750 से लेकर 1870 के बीच में आया। कहने का मतलब है कि इसका जो अर्लियर वर्जन था उसने भी यही कहा कि शॉर्ट रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट आउटपुट हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलते। मैक्सिमम लोगों ने यही बिलीव किया है मनी सप्लाई के बढ़ने से उसी के रेशियो में उसी के अनुपात में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म में कुछ फर्क पड़ता है बट लॉन्ग रन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगला कॉन्सेप्ट है न्यूटिलिटी ऑफ मनी वर्सेस सुपर न्यूटिलिटी ऑफ मनी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए, न्यूटिलिटी ऑफ मनी वर्सेस सुपर न्यूटिलिटी ऑफ मनी। देयर इज अ इवन स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ द न्यूटिलिटी ऑफ मनी पोस्टुलेट द सुपर न्यूटिलिटी ऑफ मनी। इसी का स्ट्रॉन्गर वर्जन है न्यूटिलिटी का, सुपर न्यूटिलिटी ऑफ मनी। सुपर न्यूटिलिटी फर्दर अज्यूम दैट चेंजेस इन द रेट ऑफ मनी सप्लाई ग्रोथ डोंट अफेक्ट द इकोनॉमी आउटपुट। सेम बात यहां पर भी बोली है कि कोई भी बदलाव करिए, रेट ऑफ मनी सप्लाई ग्रोथ डोंट अफेक्ट द इकोनॉमिक आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मनी ग्रोथ हैज नो इम्पैक्ट ऑन रियल वेरिएबल्स। इन्होंने ये बोला है कि मनी ग्रोथ हैज नो इम्पैक्ट ऑन रियल वेरिएबल एक्सेप्ट फॉर द रियल मनी बैलेंसेस। जो रियल मनी बैलेंसेस है उन पर प्रभाव पड़ेगा बट जितने के सारे रियल वेरिएबल्स पे प्रभाव नहीं पड़ता। दिस थ्योरी डिसरिगार्डेड द शॉर्ट रन फ्रिक्शंस एंड प्रिटेंड टू एन इकोनॉमिक कस्टम टू ए कॉन्स्टेंट मनी ग्रोथ रेट। इन्होंने सभी तरीके की शॉर्ट रन फ्रिक्शंस की बात नहीं किया है, शॉर्ट रन फ्रिक्शंस की बात नहीं करा, शॉर्ट रन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलते सुपर न्यूटिलिटी के अंतर्गत। सुपर न्यूटिलिटी में ये कहा गया है कि मनी सप्लाई का कोई भी इकोनॉमिक आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ता, मनी ग्रोथ का मनी की जो ग्रोथ हो रही है उसका नो इम्पैक्ट ऑन रियल वेरिएबल्स, सारे के सारे रियल वेरिएबल्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता एक्सेप्ट फॉर द रियल मनी बैलेंस। रियल मनी बैलेंस का मतलब है कि पहले 100 रुपए था अब 120 रुपए हो गए,
तो ये 20 रुपए है, इस पे प्रभाव पड़ेगा। जो रियल मनी बैलेंस क्या है, जो बढ़ा हुआ 20 रुपए है, बढ़ा हुआ जितना परसेंटेज है। और दिस थ्योरी डिसरिगार्डेड शॉर्ट रन फ्रिक्शंस की, शॉर्ट रन में जितने उतार चढ़ाव आते हैं सुपर न्यूटिलिटी उन सब चीजों को नहीं मानता। कहने का मतलब है कि लॉन्ग रन में प्रभाव पड़ेगा, शॉर्ट रन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारे के सारे रियल वेरिएबल्स पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, केवल कुछ रियल मनी बैलेंसेस पे प्रभाव पड़ेगा जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ न्यूटिलिटी ऑफ मनी, क्या क्या क्रिटिसिज्म है देखिए। द न्यूटिलिटी ऑफ मनी थ्योरी हैज अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फॉर सम क्वार्टर्स। मेनी नोटेबल इकोनॉमिस्ट, बहुत बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला है, रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों को मना किया कि दोनों में प्रभाव नहीं पड़ते, इंक्लूडिंग द जॉन कीन्स, लडिंग माइजिस, पॉल डेविसन। द पोस्ट कीन्जियन स्कूल इन ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो डिसमिस इट। तो देखिए, मैक्सिमम जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, भले कीन्स की बात करिए, माइजिस की बात करिए, पॉल डेविसन की बात करिए, उसके अलावा पोस्ट कीन्जियन स्कूल, कीन्जियन स्कूल की बात करिए, या ऑस्ट्रियन, क्योंकि जो इसके जिन्होंने ये दिया वो भी ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे, ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको डिसमिस करके माना है, मान के चर्का है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेवरल इकोनोमेट्रिक स्टडीज सजेस्ट दैट वेरिएशंस इन अ मनी सप्लाई अफेक्ट द रिलेटिव प्राइस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भाई सेम बात कि मनी सप्लाई का प्रभाव पड़ता है, बट लॉन्ग रन में रिलेटिव प्राइस पे प्रभाव पड़ता है। जितना परसेंटेज आपने 100 का 120 रुपए मनी सप्लाई कर दी, 20% मनी सप्लाई बढ़ाई, तो प्राइस भी मार्कर का 10 रुपए से कितना हो जाएगा, 12 रुपए। कहने का मतलब है जिस अनुपात में मनी सप्लाई बढ़ेगी उसी अनुपात में प्राइसेस भी बढ़ जाता है। द प्राइसेस आर्गुमेंट स्टेट दैट मनी सप्लाई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। सीधी सी बात है, जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। 10 रुपए में पहले मार्कर मिल रहा था, अब मार्कर कितने रुपए मिलेगा, 12 रुपए में। तो कहीं ना कहीं वैल्यू मनी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो कुल मिलाकर कहने की बात है, जितना जिस जिस रेशियो में, जिस अनुपात में मनी सप्लाई बढ़ाओगे उसी अनुपात में मनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इवेंचुअली एज द इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी स्प्रेड थ्रू आउट द इकॉनमी। क्योंकि कहीं ना कहीं समय के साथ जितनी मनी सप्लाई होगी पूरी इकॉनमी में स्प्रेड हो जाएगी। द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज इन ऑर्डर टू रीच ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बाय काउंटर एक्टिंग द इंक्रीज ऑफ द मनी सप्लाई। जिस रेशियो में प्राइसेस बढ़ेंगे उसी रेशियो में, जिस रेशियो में मनी सप्लाई बढ़ेगी उसी रेशियो में प्राइसेस क्या होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ जाएंगे। और इकॉनमी कहां पहुंचेगी, एक इक्विलिब्रियम की स्थिति में, एक इक्विलिब्रियम की स्थिति में पहुंच जाएगी। अब अगला आया द न्यूटिलिटी ऑफ मनी, मॉनेटरी न्यूटिलिटी। द प्रोपोजिशन दैट चेंज इन द मनी सप्लाई डोंट अफेक्ट द रियल वेरिएबल, सेम बात है। अब दोबारा वही समझाने की कोशिश की है दूसरे लैंग्वेजेस में। डबलिंग द मनी सप्लाई कॉजेज ऑल नॉमिनल प्राइसेस टू डबल, व्हाट हैपेंस टू रिलेटिव प्राइस, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ रिलेटिव प्राइस। यहां पर एक देखिए, आपको समझाने की कोशिश किया यहां पर एक न्यूमेरिकल के तहत कि डबल मनी सप्लाई डबल भी कर दोगे नॉमिनल वेरिएबल पे प्रभाव पड़ेगा बट रिलेटिव प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस ऑफ सीडी 15 रुपए पर सीडी, प्राइस ऑफ पिज्जा 10 रुपए पर पिज्जा, तो 1.5 पिज्जा पर सीडी, यही हो गया ना, क्योंकि एक सीडी 15 रुपए की है, पिज्जा 10 रुपए, एक सीडी 15 डॉलर की है, पिज्जा 10 डॉलर का है, तो 1.5 पिज्जा पर सीडी, एक सीडी के दाम में आपको 1.5 पिज्जा मिल जाएगा। आफ्टर नॉमिनल प्राइसेस डबल, हमने नॉमिनल प्राइसेस को डबल कर दिया, प्राइस ऑफ सीडी कितना हो गया, 30 रुपए, 15 का 30 डॉलर हो गया, पिज्जा का 10x20 हो गया, पर रिलेटिव प्राइस हमारा अनचेंज रहा, रिलेटिव प्राइस हमारा अनचेंज रहा। 20 को 30 से मल्टीप्लाई करें भाई, डिवाइड करेंगे अगेन 1.5 पिज्जा पर सीडी, आपको फोटो के नीचे दिख नहीं रहा होगा, बट कहने का मतलब है कि डबलिंग द मनी सप्लाई डबल भी कर दोगे नॉमिनल प्राइस डबल हो जाएगा, बट वॉट हैपन्स टू द रिलेटिव प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा। यही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, इसी फार्मूला से आपको समझाने की कोशिश भी यही किया है कि रिलेटिव प्राइस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट्स भेजेंगे आप, उसमें देख लीजिएगा। मॉनेटरी न्यूटिलिटी द प्रोपोजिशन दैट चेंज इन द मनी सप्लाई डोंट अफेक्ट द रियल वेरिएबल्स, बात कर दी हमने, पहले बोल दिया।
जिस अनुपात में आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे उस अनुपात में रियल वेरिएबल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल नॉमिनल वेरिएबल्स पे प्रभाव पड़ता है। सिमिलरली द रियल वेजेस बाय द प्राइस रिमेन अनचेंज, डब्ल्यू अपॉन पी विल बी रिमेन अनचेंज। सो क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई डजंट चेंज, क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई डजंट चेंज, क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड डजंट चेंज, कोई डिमांड चेंज नहीं होगी, टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर डजंट चेंज। ये सब कौन से हैं? ये सब रियल वेरिएबल्स हैं। कौन से हैं? रियल वेरिएबल्स हैं। सेम अप्लाइज टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज, तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। सिंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज अनचेंज, सिंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इज अनचेंज, टोटल आउटपुट इज ऑल्सो अनचेंज बाय द मनी सप्लाई। भाई कुल बना के बताने की कोशिश यहां पर यह किया है कि रियल रियल वेरिएबल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आपने दिखा दिया। आगे मोस्ट इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट क्लासिकल डाइक्टोनॉमी एट न्यूट्रलिटी ऑफ मनी डिस्क्राइब द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। भाई कुल मिलाकर वही बात है, लॉन्ग रन में प्रभाव पड़ेगा, शॉर्ट रन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन लेटर चैप्टर या बात में या आगे बताएंगे। अब आया वेलोसिटी ऑफ मनी, कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी फॉर्मूला नोट कर लीजिए, रेट एट विच मनी चेंज द हैंड्स, पी इंटू बाई अपॉन एम, v इज इक्वल टू पी इंटू बाई बाय एम, बी इज इक्वल टू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू पी इंटू बाई नॉमिनल जी डी पी, प्राइस लेवल इंटू रियल जी डी पी, बाई इज इक्वल टू रियल जी डी पी, पी इज इक्वल टू प्राइस लेवल, एम अपॉन मनी सप्लाई। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको वेलोसिटी निकालने को बोल दिया, नॉमिनल जी डी पी में आपको प्राइस लेवल दे दिया, रियल जी डी पी दे दी, मनी सप्लाई दे दी, आपको बोला वेलोसिटी निकाल ली, तो b इज इक्वल टू p इंटू बाई अपॉन m, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आपको आराम से आंसर निकल आएगा। द क्वांटिटी इक्वेशन v इज इक्वल टू p इंटू बाई अपॉन m, मल्टीपल बोथ साइड ऑफ फॉर्मूला बाय m, अगर दोनों साइड को अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू v इज इक्वल टू p इंटू y इंटू m अपॉन m, है ना, ये m से ये m कट गया तो क्या बचा, m इंटू b इज इक्वल टू p इंटू y, इज कॉल्ड द क्वांटिटी इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, m इंटू b इज इक्वल टू p इंटू y, क्वांटिटी इक्वेशन। नोट कर लीजिएगा बात, बहुत सरल है, दोनों को अगर दोनों साइड में वेलोसिटी में भी और हमारा नॉमिनल में, नॉमिनल उसमें अपना नॉमिनल वेरिएबल्स में दोनों में अगर हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू बी अपॉन पी इंटू वाई बचेगा, m से m कट जाएगा तो m इंटू बी इंटू इक्वल टू पी इंटू वाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वांटिटी इक्वेशन। लास्ट इज द फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट क्या होता है, रीअरेंज द डिफिनेशन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट। फिशर इफेक्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट प्लस रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। द रियल इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द लोनेबल फंड मार्केट। फिशर का इफेक्ट क्या कहता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट जो चल रही है मार्केट में, और रियल इंटरेस्ट रेट को दोनों को जोड़ देंगे तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा। रियल इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द लोनेबल फंड मार्केट, जो लोनेबल जो मार्केट, जिस मार्केट में हम लोग लोन लेते हैं, लोनेबल फंड मार्केट होगी, उसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम लोग रियल इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। मनी सप्लाई ग्रोथ डिटरमाइनिंग द इन्फ्लेशन रेट, ये तो सिंपल सी बात है, जितना मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा, ये तो आपको पता ही है। मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो परचेसिंग पावर ज्यादा होगी। अगर सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, मार्कर को खरीदने वाले पांच लोग हैं, मार्कर एक है, तो मार्कर का प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो मनी सप्लाई क्या करती है, मनी सप्लाई ग्रोथ द डिटरमाइन द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट को कौन डिटरमाइन करता है, मनी सप्लाई। इन द लॉन्ग रन मनी इज न्यूट्रल, सो ए चेंज इन द मनी ग्रोथ रेट अफेक्ट द इन्फ्लेशन रेट बट नॉट द रियल इंटरेस्ट रेट। लॉन्ग रन में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट तो अप एंड डाउन होगा, बट रियल इंटरेस्ट रेट पे कोई प्रभाव नहीं, इस पे प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा बट इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो द नॉमिनल रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एडजस्ट वन फॉर वन विद चेंजेस इन द इन्फ्लेशन रेट। जैसे जैसे आपका
मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, बट रियल इंटरेस्ट रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिशर इफेक्ट। इसी रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं फिशर इफेक्ट। ये नहीं पढ़ना है, बट दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई डाउट है तो बताइए आप। किसी को कोई डाउट हो बताइए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।